हेलो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट इन 100 डेज। जी हां गाइस, तो आज हमारा 46th डे एंड आई होप आप बहुत ही ज्यादा ऑसम होंगे। सबसे पहले गाइस, अभी तक अगर आपने बाकी के हमारे चैलेंजेस को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एंड साथ ही साथ अभी तक वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स को भी आपने चेकआउट नहीं किया तो इसको भी जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस, तो देखिए अभी तक हम पिछले 2-3 दिनों से क्या देख रहे हैं, रेजेक्स देख रहे, दैट इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन। एंड बिलीव मी, वंस अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लेते हो गाइस, ये आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी कर देगा व्हेन इट कम्स टू योर वैलिडेशन एंड ऑल। क्योंकि एक तरफ तो गाइस आपको वैलिडेशन करने के लिए जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, वहीं रेगुलर एक्सप्रेशन में सिर्फ एक लाइन का कोड, एक लाइन भी नहीं, कुछ गिने चुने वर्ड्स आपको लिखने एंड आपका काम हो जाता है। तो इसको मास्टर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स व्हाई गाइस, मैंने ये जो हमारा ऑलमोस्ट 40 से लेके 50 वाला ये जो डे है, इसमें मैंने पूरी कोशिश की कि रेगुलर एक्सप्रेशन को हम जितना बेटर हो सकता है उतने अच्छे से हम समझे। सो दैट्स व्हाई मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन क्रैश कोर्स इन ओनली 20 मिनट्स के ऊपर वीडियो बना चुका, चेकआउट कीजिएगा, जिसमें मैंने आपको ईमेल आईडी बताई थी कैसे आप वैलिडेट कर सकते हो। देन हमने कल की वीडियो में देखा कि आप पासवर्ड को कैसे वैलिडेट कर सकते हो। एंड इन टूडेज वीडियो वी विल सी हाउ वी कैन वैलिडेट आवर मोबाइल नंबर। एंड एकदम अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं, लाइक वी विल वैलिडेट इंडियन मोबाइल नंबर, ठीक है? क्योंकि अगर हम कंट्री वाइज देखें तो देन उनकी अपनी खुद की कंट्री कोड होती है, देन उनका अपना खुद का एक रूल्स है, सेटअप रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना जरूरी है। एंड दे आर लाइक 206 कंट्रीज, तो सबके अपने अपने रूल्स है, तो उसके लिए गाइस और ट्रिकी हो जाएगा, बट वो आपके लिए चैलेंज है, अगर आप कर पाते हो तो बेटर रहेगा। या ऑलराइट, बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव अ फंक्शन, आई मीन वी नीड टू राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन इनपुट, returns true if the string represent a valid Indian mobile number, else false. हम जो भी string pass करें अगर एक valid Indian mobile number होता then it should return true, else it should return false. Simple, right? तो कुछ valid, validation के कुछ requirements है, that is सबसे पहले when it comes to your length. So guys, when it comes to the length of Indian mobile number then it must be 10, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा, simple, right? And then starting digit, आपने देखा होगा पहले I guess we have only 9 से स्टार्ट होते थे या 7 से स्टार्ट होता था या समटाइम्स 8 से स्टार्ट होता था, बट नाउ डेज गाइस अब वो 6 से भी स्टार्ट होने लग चुका है। सो हमारा जो नंबर, इट मस्ट स्टार्ट विथ 6, 7, 8 और 9, ये तो स्पेसिफिक आपको चेकआउट करना जरूरी है कि मोबाइल नंबर हमारा जो फर्स्ट डिजिट होगा इट मस्ट बी इधर 6, 7, 8 और 9, सिंपल, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, देन इट्स अ इनवैलिड नंबर, ठीक है? बस यार ये दो चीजों को हमें ध्यान में रखना है। एंड वी हैव फ्यू मोबाइल नंबर्स विद अस जिसको मैंने ऑलरेडी rejects101.com में ऐड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक रेंज को मेंशन करना है, एंड दैट इज कि हमारा जो रेंज होगा फ्रॉम 0 to 9, ठीक है? देखो सब सेट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देर इज वन प्रॉब्लम, दैट इज योर प्लस साइन, इसको सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि कंट्री कोड में लगता है, बट अभी फिलहाल हमें नहीं लगेगा क्योंकि मैं तो खुद इंडिया में हूं, तो मैं क्यों प्लस यूज करूँ, राइट? तो बहुत को लग सकता है कि इतना अगर मैं करता हूं एंड यहाँ पे कंडीशन में दे दूंगा, दैट इज एग्जैक्टली 10, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा, एग्जैक्टली अगर आप 10 लिख देते हो देन ये जो रेंज है आपका बेसिकली क्वांटिफायर भी कहलाता है ये, तो यहाँ पे आपका ये काम हो चुका है। तो अगर आप मोटा मोटी अगर ये भी लिखते हो तो भी ये एकदम वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे बस अगेन एक प्रॉब्लम आ गया, एंड दैट वन प्रॉब्लम इज कल के दिन अगर मोबाइल नंबर देखो ना, एंड साथ ही साथ यहाँ पे फिलहाल तो आप ये 9 डिजिट है, दैट्स व्हाई, बट अगर एक 5 लिख देता हूँ एंड बूम गाइस सी, आप देख सकते हो कि ये भी वैलिड हो गया, बट इन रियलिटी ये तो इनवैलिड मोबाइल नंबर है बिकॉज द फर्स्ट डिजिट इज 4, रिक्वायरमेंट के अनुसार इट मस्ट बी द 6, 7, 8 एंड देन 9। तो उसके लिए भी आपको वापस से आपको ये कैरेक्टर क्लास यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसको हम कैरेक्टर क्लासेस कहते हैं, जहां पे यू नीड टू राइट इस तरीके से 6, 7, 8 एंड देन 9। तब ये आप 6, 7, 8 एंड 9 लिखने का मतलब ये है कि हमारा ये जो मोबाइल नंबर है इट मस्ट बी स्टार्ट विथ इधर 6, 7, 8 और 9। अब आप देख सकते हो कि ये जब मैंने लिखा एंड मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, अभी काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इन चार में से कोई एक का होना कंपलसरी है। अगर एक नंबर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, इंडियन मोबाइल नंबर में टोटल 10 होते हैं जिसमें से एक मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दी, लेट्स से ये वाला, ये हम गाइस ये भी एक फन फैक्ट है, आप इसको इस तरीके से कर ही नहीं सकते, दूसरी उंगली ऑटोमेटिक होती है, चलो ये मैंने हटा दी एक, तो टोटल कितने बचे, वी हैव टोटल 9 लेफ्ट, राइट? तो यहाँ पे अब आपको 10 ना लिख के 9 लिखना होगा, एंड दिस इज इट गाइस। तो अब आप देख सकते हो कि इतने सारे मोबाइल नंबर में सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर वैलिड है, एंड दैट इज ये फर्स्ट वाला, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट हो रहा है एंड ये 2, 9 से स्टार्ट हो रहा है, आई मीन 6 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन 8 से स्टार्ट हो रहा है, बट इनकी जो टोटल लेंथ है इट्स 9 ओनली, जबकि 10 होना चाहिए था। यहाँ पे प्लस आ गया तो काम नहीं है, एंड यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है,
तो ये अगर आप लिखते हो आपका काम करेगा। एंड ये जो पर्टिकुलर पोर्शन, इसको आप 6-9 भी लिख सकते थे, बिकॉज ये ऑलरेडी आपका रेंज डिफाइन करता है। सो इधर यू कैन राइट लाइक 6-9 और यू कैन राइट 6-7-8-9। तो इट्स टोटली अप टू यू। एंड मैंने कल के दिन एक और आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आप डिजिट को टारगेट करो देन यू कैन राइट लाइक फॉरवर्ड स्लैश एंड देन डी ऑल्सो। ये जो आपका शॉर्ट हैंड है, अगर आप ध्यान से देखते हो, 0-9 का सिंपल, राइट? सो या गाइस, दिस इज इट। तो हमारा ये जो पर्टिकुलर रेजेक्स था वो कंप्लीट हो चुका है फॉर आवर मोबाइल नंबर वैलिडेशन। देन नाउ वी विल सिंपली पुट दिस एंड अब ठीक है, यहाँ पे उसको अप्लाई कर देते। सो इट्स अ कॉन्स्ट, वी हैव अ वैलिडेट इंडियन मोबाइल नंबर। एंड मैं आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, बिलीव मी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, अगर आप नॉर्मल वेनिला जावास्क्रिप्ट की मदद से करते तो क्या नहीं करना पड़ता, डॉट लेंथ चेक करना पड़ता, फर्स्ट लेटर ये 6 से स्टार्ट हो रखनी, फिर आपको गाइस ऑल या एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ता, या तो ये चुटकी में हो गया। आप समझ रहे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है यार ये तो कुछ नहीं, बट बिलीव मी जब आप कंपनी में जाओगे तब आपको अहमियत पता चलेगी इसकी। सो गाइस प्लीज, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज लाइक मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न, आपको इतना मेक श्योर करना है कि 2 बैकस्लैश आपको देना जरूरी है, देन कैरेट सिंबल इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड देन डॉलर सिंबल इट्स द एंड ऑफ द आवर रेजेक्स, जो भी है रेजेक्स का हमारा ये कोड है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, ये हमें एक पावर देता है, दैट इज डॉट टेस्ट मेथड, जिसमें मैं ये जो मेरा नंबर है उसको मैं पास आउट कर सकता हूँ। दिस इज इट, बस इतना ही करना था। ये आपका रेजेक्स, उसमें एक मेथड है टेस्ट, टेस्ट करने के लिए इज इट वैलिड और नॉट, एंड मैंने ये जो नंबर है बेसिकली अपने जो भी आर्गुमेंट्स थे वो मैंने पास कर दिए। या दिस इज इट। अब अगर मैं इसको रन करता, बूम गाइस, सी, सो ओनली द फर्स्ट वन इज ट्रू एंड रिमेनिंग ऑल द 3 आर लाइक फॉल्स। जिसमें से देखो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया भाई, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 आई थिंक इसमें शायद 9 है, देखो ना, 2, 2, 4, 8, 1, 9 ओके। एंड इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, ओके ये फिर ये 10 से ज्यादा। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतने, होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। नाउ लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी लाइफ इतनी इजी हो गई है, कोई भी मोबाइल नंबर वैलिडेशन, पासवर्ड वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन, बचा आपका यूजर नेम वैलिडेशन एंड 2-3 और, एंड हमारा जो हाफ सेंचुरी होगा ना, मैं कंप्लीट एक वैलिडेशन के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है? सो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ये अभी तक बाकी के चैलेंजेस को चेकआउट नहीं किया, जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड डू यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट गाइस, मैं अब बहुत ही जल्द रिएक्ट, बेसिकली कल के दिन मैं रिएक्ट जीएस का डॉक्यूमेंट्री लेके आने वाला हूँ, ठीक शाम को, ठीक सुबह 10 बजे। तो आई होप आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिएक्ट सीरीज भी बहुत जल्द आने वाला, मैं नहीं चाहता आप ये सारे ऑसम वीडियोस को मिस करें। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, टेक केयर।